जिन बहनों के पास एप्रिन नहीं होते, जो अपन रसोई में पहन के वो जो यहाँ से बद्दी वाला आता है और वो नहीं होता है एप्रिन, जिससे कपड़े गंदे हो जाते हैं, वो पहनते हैं ना रसोई में काम करते हैं, बड़े बड़े सेब भी पहनते हैं और फिर रसोई में गर्मी भी बहुत होती है। तो मैं एक ऐसा आइडिया लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कि जो घर में पुरानी बनियान होती है ना, जैसे बार बार आँख में पसीना चला जाता है रसोई में काम करते हुए, और मतलब बहुत गर्मी लगती है रसोई में, सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, वो ज़्यादातर बहनों को ही झेलनी पड़ती है वो गर्मी। तो मैं उसके लिए एक बहुत अच्छा और बहुत सस्ता सा आइडिया लेके आई हूँ जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। जो हमारे पतियों की बनियान होती है, ये देखिए ये फट गई है यहाँ से, ये फट गई है यहाँ से। तो अब मैं इसको आपको यूज करना बता रही हूँ कि इसके कांख वाले हिस्से को ऐसे करना, जैसे ये है ये गला हो गया, इसके कांख वाले हिस्से को ऐसे पकड़ना है और गले में ऐसे डाल लेना है, और डालने के बाद आपका एप्रिन तैयार है। आपका एप्रिन तैयार है, पसीना आए तो मुंह पूछो, और ये देखिए पसीना भी पोंछ लेता है क्योंकि अपनी स्किन सॉफ्ट होती है, एप्रिन से हम पोंछ नहीं सकते, बार बार वो कंधे पे कपड़ा रखा हुआ ऐसा लगता है, यूज पुरानी यूज कर रहे हैं। यूज करो और खुश रहो, और मुझे भी खुश रखो मेरी वीडियो को वॉच करके। अपने हस्बैंड की, अपने हस्बैंड की किसी भी चीज में सिर्फ और सिर्फ पत्नियों का अधिकार है, चाहे वो रसोई में यूज करे, एप्रिन बनाए, चाहे कुछ भी करे, ठीक है। आप अपने हस्बैंड की चीजें खूब मजे से यूज कीजिए। ये देखिए बनियान बहुत अच्छा वो है पसीना पोंछने के लिए। मेरा पता है आपको, मैं मुंह हमेशा बनियान से पोंछती हूँ, मैं कभी टावल से नहीं पोंछती। हमेशा जो फटी हुई बनियान होती है ना, उनका इतना हिस्सा काट के रख लेती हूँ, एज ए टावल यूज करती हूँ मैं, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो मैं हमेशा ऐसे ही यूज करती हूँ घर में रहती हूँ। जब भी मुझे मुंह धो के साफ करके, मैं दो तीन है मैंने रखी हुई है, यहाँ से काट के एक टावल सा बना रखा है मैंने, और उन्हीं से मुंह पोंछती हूँ मैं हमेशा। मेरे पता है टाइट से स्किन खराब है मेरी, अच्छी स्किन नहीं है, छिल जाती है स्किन, ऐसी है स्किन, बहुत सॉफ्ट है, इस वजह से फिर मैं ये यूज करती हूँ।